नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और टेक्नोबाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल फेसबुक पे बहुत सारे लाइव पोल्स रन हो रहे हैं, जैसे कि एप्पल वर्सेस सैमसंग, आईओएस वर्सेस एंड्रॉयड, मोदी वर्सेस केजरीवाल वगैरह वगैरह। ये पोल में दोस्तों लाइव रिएक्शन काउंटर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप लाइक करते हैं तो एप्पल का काउंटर बढ़ेगा, अगर लव का रिएक्शन देते हैं तो सैमसंग का काउंटर बढ़ेगा। ये दोस्तों लाइव रिकॉर्ड और अपडेट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम फेसबुक लाइव पे लाइव रिएक्शन पोल या लाइव वोटिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोबाइट में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको फेसबुक लाइव पे लाइव या रियल टाइम रिएक्शन पोल क्रिएट करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये बहुत ही इजी है, लेकिन आपको कंसंट्रेट करना होगा और मैं यहाँ पे जो भी करता हूँ वही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लाइव रिएक्शन पोल क्रिएट करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर और इमेजेस की जरूरत होगी। सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों ओबीएस स्टूडियो, जिसका फुल फॉर्म है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। और ये रही इमेजेस जो हम पोल में यूज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का पोल होगा आईओएस वर्सेस एंड्रॉइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें गूगल क्रोम ओपन करना होगा ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए। पहले तो हम ये लिंक पे जाएंगे, obsproject.com। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आके डाउनलोड ओबीएस स्टूडियो पे क्लिक करके विंडोज 7 पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है और इंस्टॉल भी कर दिया है, तो मैं डायरेक्ट आपको ओपन करके बताता हूँ। आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और फिर ओपन कीजिए। यहाँ पे कोई भी सीन नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे एक सीन क्रिएट करना है। सीन क्रिएट करके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके इमेज पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है और ब्राउज पे क्लिक करना है। और जो इमेज हम यूज करने वाले हैं बैकग्राउंड में, वो यहाँ पे डाल देनी है कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पे ये इमेज डाल दी है। बस इतना करके ये सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देना है, वो सॉफ्टवेयर हम बाद में यूज करेंगे। अभी फिर से गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे और एक लिंक ओपन करनी है, जो है लाइव रिएक्शंस पोल डॉट कॉम। ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हमें क्रिएट पोल करना है, क्रिएट पोल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्सेस टोकन और पोस्ट आईडी। ये दोनों के लिए आप प्लीज कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है और हमें वही फेसबुक आईडी से लॉगिन करके रखना है जो हम यूज करने वाले हैं लाइव रिएक्शन पोल होस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम गेट टोकन पे क्लिक करेंगे, वहां पे गेट यूजर एक्सेस टोकन यहाँ पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद आप, मैं यहाँ ये स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रखता हूँ, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। जहां पे जो टिक किया गया है वो सारी चीजें आप टिक कर लीजिए। जो भी चीजें यहाँ पे टिक की है सारी चीजें आप टिक कर लीजिए। ये टिक करने के बाद गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक कर दीजिए। ये दोस्तों हमारा एक्सेस टोकन है, ये हमें किसी को भी नहीं देना है। ये एक्चुअली एक परमिशन है कुछ चीजें हमारी प्रोफाइल की यूज करने के लिए। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं एक्सेस टोकन वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वर्क नहीं करता तो यहाँ पे एक एरर आता। यहाँ पे एक्सेस टोकन को कॉपी कर लिया है, वो कॉपी की हुई एक्सेस टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हमारी एक्सेस टोकन तो आ गई है, अभी हमें चाहिए पोस्ट आईडी। तो पोस्ट आईडी के लिए दोस्तों हमें फेसबुक पेज पे जाना है, जहां पे हम ये लाइव रिएक्शन पोल होस्ट करने वाले हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है दोस्तों। यहाँ पे पब्लिशिंग टूल्स पे क्लिक करना है, उसमें हमें वीडियो लाइब्रेरी में जाना है और लाइव पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो स्ट्रीम की है, ये स्ट्रीम की आपको कॉपी करनी है कंट्रोल सी दबा के, और वो सॉफ्टवेयर ओपन करना है ओबीएस स्टूडियो। वहां पे सेटिंग्स में जाना है, स्ट्रीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी सेटिंग्स है, स्ट्रीम टाइप
ये रखिए सर्विस फेसबुक लाइव, सर्वर डिफॉल्ट और स्ट्रीम की, यहाँ पे हमें ये पेस्ट कर देनी है जो हमने अभी कॉपी की है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से ये सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देंगे। हमने फेसबुक पेज के ये वीडियो को ये सॉफ्टवेयर से हमने स्ट्रीम को टाई अप कर दिया है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहा है वो आइकन पे क्लिक करके एम्बेड पे क्लिक करना है और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। ये आई फ्रेम है दोस्तों, आई फ्रेम को हमें क्लिपबोर्ड में कॉपी करना है, वो यहाँ पे पोस्ट आईडी में जाके हमें पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट किया उसके बाद गेट पोस्ट आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैंसिल कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट आईडी मिल गई है उसको, आई फ्रेम में से ये वेबसाइट खुद ही अपने आप सर्च कर लेती है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वो यहाँ पे स्ट्रीमिंग रिजोल्यूशन विद वो हमें 1280 रखना है। उसके बाद यहाँ पे काउंटर्स आते हैं, तो काउंटर्स में मैंने दोस्तों ऑलरेडी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं काउंटर्स विद इमेज नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं सिर्फ काउंटर्स ओनली सिलेक्ट करूंगा। आपको जो भी ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं इसमें से। और काउंटर्स ओनली में मैं दो ही काउंटर रखूंगा क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आईओएस और एंड्रॉइड। तो आईओएस के लिए लाइक और एंड्रॉइड के लिए लव, ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ही बैकग्राउंड सिलेक्ट कीजिए तो आपका परफेक्ट बैठेगा। ये करने के बाद हमें यहाँ पे मार्क करना है, ये मार्क करके प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हमें अगर ये ब्लू स्क्रीन आ रही है इसका मतलब हमारा ये लाइव रिएक्शन पोल रन करेगा 100%। ये गॉट इट पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये दोस्तों हम स्क्रिप्ट डाउनलोड कर रहे हैं, ये मैंने डाउनलोड कर लिया स्क्रिप्ट, और वो ही स्क्रिप्ट फोल्डर के पास जाके हमें एक्सट्रैक्ट टू स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रिप्ट आ चुकी है, इसके अंदर दोस्तों एक HTML फाइल जनरेट हुई होगी, इंडेक्स ये रही HTML फाइल, तो हमें वो फाइल इसमें इनपुट करनी है। तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर सोर्स में जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लोकल फाइल है स्क्रिप्ट वाली, तो यहाँ पे लोकल फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्राउज करके हम वो फाइल उसे प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पे विड्थ को 600x400 रखूंगा क्योंकि ये सिर्फ रिएक्शन पोल ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो रिएक्शन पोल आ चुके हैं, मैंने ये रिएक्शन पोल यहाँ पे सेट कर दिए हैं। तो हमारा रिएक्शन पोल भी सेट हो चुका है, हमारी स्ट्रीमिंग की भी हमने डाल दी है, सब कुछ हमारा रेडी है। अभी हमें सिर्फ पेज पे जाके कुछ चीजें हमें यहाँ पे इनपुट करनी है, जैसे कि ये टाइटल iOS वर्सेस एंड्रॉइड, यहाँ पे टैग डाल दीजिए एंड्रॉइड के, ANDROID एंड्रॉइड एप्पल, जो भी इसके रिलेटेड आप टैग लगता है आप वो यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि iOS, जो भी आपको जो भी लगे, मैंने ऐसे ही सब कुछ डाल दिया है। व्हाट्स ऑन योर माइंड में हमें लिखना है कि ये वीडियो किसके बारे में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स सी हु विल विन विन। बस ये सारी चीजें सेटअप करने के बाद फिर से वो सॉफ्टवेयर में जाके हमें स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देनी है। हम जैसे स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे वीडियो फेच होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा। देखिए दोस्तों फेचिंग स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू, आपका पोल कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं इसके बाद डायरेक्टली आप गो लाइव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप फेसबुक पे लाइव आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पोल लाइव हो चुका है, अभी सभी लोग ये पोल देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ लाइक या वगैरह कुछ आता है कि नहीं आता है।
अगर कोई भी यूजर अगर ये देखेगा तो वो लाइक, ये देखिए एक लाइक आ चुका है। ऐसे ही सब लोग जैसे ही वोट करेंगे तो यहाँ पे लाइव अपडेट होते जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक लव आ चुका है। ऐसे ही लाइव पोल रन होते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाएगा। अगर आपको वो अपलोड नहीं करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये बंद कर दीजिए। अब ये लाइव पोल रन हो रहा है। अगर आपको इसमें से कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाके एडिट करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जो भी चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी है, प्रोहिबिट एम्बेडिंग, मतलब कोई भी ये एम्बेड नहीं कर पाएगा, अनपब्लिश आफ्टर लाइव वीडियो एंड्स, अगर ये वीडियो एंड होगा तो ये अनपब्लिश हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे टिक कर देंगे। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए। दैट्स इट दोस्तों, अभी लाइव पोल रन हो रहा है, जाइए और वोट कीजिए। दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।